आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है एस्तेर की पुस्तक 9वां अध्याय। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। मोर्दकई तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्दकई की महिमा बढ़ती चली गई। अतः यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मार कर और घात करके नष्ट कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नष्ट किया। उन्होंने पर्शन दाता, दलपोन, अस्पाता, पुराता, अदल्या, अरीदाता, परमशता, अरीसे, अरीदे और वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्र को भी घात किया, परंतु उनके धन को ना लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाएं। राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को ना लूटा। यह अदार महीने की 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने की 13वें दिन को और उसी महीने की 14वें दिन को इकट्ठा हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर पनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने की 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी और आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन नियुक्त करके मनाते हैं। इन बातों का वृत्तांत लिखकर मोर्दकई ने राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और यह आज्ञा दी कि आदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करें, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। अतः यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मोर्दकई ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता अगाकी का पुत्र हामान, जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नष्ट करने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी
कुल कुल, प्रांत प्रांत, नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पूरी नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहेल की बेटी एस्तेर रानी और मोर्दका यहूदी ने पूरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मोर्दकाई ने क्षयश के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पूरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दकाई यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाएं। पूरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई।